हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? पहचाना आपने ये कौन है? तो चलिए, देखने के लिए आप वीडियो पर लगातार बने रहिए। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं फिर आपको एक रेसिपी दे रही हूँ और कुछ अपनी शादी के मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ जो मेरी ससुराल की तरफ से मुझे मिला था, तो आपको वो सब दिखाऊंगी। पहले सब्ज़ी बना लेते हैं। आलू की मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, आप भी बनाना एक बार मेरे तरीके से। ज़ीरा और इलायची सबसे पहले मैंने ऐड किया है, फिर प्याज, इसको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्ची जो है कट करके रखी हुई थी वो भी मैं इसी में डाल दूंगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा आज आपको ब्लॉग में, ना सब कुछ मैंने दिखाया है और बहुत मज़ा भी आया है और जितना एंजॉय किया हमने वो देखेंगे आप सब। ये मैंने धनिया, हल्दी और मिर्च डाल के मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी ना कि आज बहुत मज़ा आएगा, तो हाँ हम सफाई कर रहे थे, सफाई करते करते हमें मुझे शादी के कुछ जोड़े और अपना निकाह का जोड़ा ये सब कुछ मुझे दिखा, तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखा देती हूँ। तो अभी मैं काम से थोड़ा सा फारिग हुई थी और मुझे लग रही है ठंड, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको चेंज लग रही होगी क्योंकि मैं बस अभी कपड़ों धोकर मतलब निपटी हूँ और ये टाइम हो चुका है रात के 8:30 बज चुके, तो ये अच्छे से मसाला भुन गया है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डालती हूँ और इसको अच्छे से फिर से भूनती हूँ एक बार, ताकि मसाला अच्छे से पकता है ना तभी अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इसको भी अच्छे से भून लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने कट कर लिए थे आलू छोटे छोटे पीसेस में, तो इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें पकाऊँगी पहले इसको। और ये आलू उबले हुए हैं, कच्चे नहीं हैं। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा वाला इसमें चना मसाला डालूँगी, तो मैं ये वाला पैकेट वाला मसाला डालूँगी इसमें 1 चम्मच। ये छोटी चम्मच थी तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था, लेकिन 1 ही चम्मच था ये। फिर उसके बाद पानी डाल देना जितना आपको ग्रेवी चाहिए। मैं इसको चावल के साथ बना रही हूँ इसलिए थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखूँगी, आप पूड़ी या रोटी के साथ खाएं तो थोड़ा कम रखें। तो ये अच्छे से पक चुके हैं, देखिए कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है। तो मैं अभी थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ इसमें। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा और इसमें डाला है और उसके बाद मैं अच्छे से इसको पका लूँगी। पकाने के बाद अच्छे से मैंने 2-3 मिनट तक पकाया इसको, फिर उसके बाद हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डालने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको अब फाइनल लुक। मैं किसी की वीडियो पे नहीं आ पा रही हूँ तो उसका रीज़न आपको पता ही है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, 1-2 दिन नहीं आऊँगी, लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मेरी प्लेट तैयार है आलू चावल की। उस दिन काम करते करते बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ बनाने का, तो मैंने ये सिंपल आलू और चावल बनाए थे बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चों का टाइम हो चुका था आने का, मैंने बहुत जल्दी से ये बनाया और बच्चों को दिए, पसंद आए बच्चों को खाने में, वैसे अच्छे लगते हैं ये आलू। चलिए अब दिखाते हैं अपना वो प्यारा सा सामान, जितना मेरे पास बाकी है मैं उसी को दिखाऊंगी, बाकी मैं यूज़ कर चुकी हूँ।
बहुत सारे तो मैंने यूज़ कर लिए हैं कपड़े। करते एक नई चीज़ देखी तो मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ ये क्या चीज़ दिखा रही हूँ मैं। अंदर से खोल के दिखा दूँ क्या? ये पैक है, ये है इसका दुपट्टा इस तरीके के काम का, और ये है इसका जंपर ये वाला वाइट, और ये है इसका शलवार का कपड़ा। तो इस तरीके से एक तो ये है, ऊपर दिखाओ थोड़ा सा फोन, एक ये है, ये एक ही कलर में है दोनों कपड़े। ये जंपर का इस टाइप का है, ये देखिए ये बॉर्डर है, और ये पूरे जंपर पर ना फूल है, और दुपट्टा इसका ये है, बहुत अच्छा दुपट्टा है, ये देखिए इस तरीके का काम है इस पर भी पूरा दुपट्टा है। और इसके बाद एक ये है, ये तो मैं सिलवा भी सकती हूँ मैं, क्योंकि इसका थोड़ा अलग है काम है ना, ये दुपट्टा इसका ये है, इसका बहुत अच्छा लग रहा है, ये चल जाएगा अगर अगर हमें से ना सिलवाना तो। और इसका जंपर है ये, और आप सब बने रहें, और मैं आपको ये बताऊँ क्या चीज़ है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये है बुरके का कपड़ा, एक रेडीमेड था और एक ये था कपड़ा था, और एक ये थी चादर है ये बुरके के ऊपर से ओढ़ने के लिए। और दिखाती हूँ मैं अभी, और है एक ये सूट है, तो इसकी तो सारी तह ख़राब हो गई, लेकिन कुछ इस तरीके का ये, और जंपर है ये, और शलवार का कपड़ा प्लेन है, तो ये इस तरीके का है। और अब दिखाती हूँ आपको मैन चीज, तो वो अचानक से ये ना सफाई करते हुए मिला मुझे सारा सामान, चलिए ये दिखाती हूँ मैं। ये है कोटी इस तरीके का, और इसका काम कुछ इस तरीके का है, कौन भी थोड़ा सा ना अब शायद दिखा होगा आपको। और इसका लहंगा है ये देख सकते हैं, ये है तीन कलर का, एक ये ग्रीन रेड येलो, ये इस तरीके का है पूरा लहंगा पूरा इंडिया। और यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं आप सबको बता दूँ, ये है मेरे निकाह का लहंगा, मेरी शादी का लहंगा, ये दुपट्टा है उसका। तो चलिए मैं आपको ना इसे थोड़ा सा पहन के दिखा देती हूँ, इस तरीके का बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा वाला, और अच्छा भी बहुत है, अभी तक भी ऐसे ही है, जबकि हम शादी को काफ़ी टाइम हो गया, और ये जब से ऐसे ही पड़ा हुआ, कोई अच्छी तरीके से नहीं रखा हुआ था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, ये देखिए मैंने सिर्फ ऐसे ही लगाया हुआ है ये, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मैं डबल मोटी हो चुकी हूँ पहले से। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक।